जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR की अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या आप ट्रेन में सीट की अदला बदली कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने टिकट करवाया है, एक आपके साथ वाले ने एक आपने, मगर अलग अलग फॉर्म से करवाया है। आपने समझो ऑनलाइन करवाया है, उसने दोस्तों ऑफलाइन करवाया है। दोस्तों कोटा तो एक ही कोटा है, समझ जाइए स्लीपर कोटा। मगर दोस्तों जो सीट मिली है या तो एक डिब्बे में मिली है आपको, या तो एक गेट के इस गेट मतलब एक ही कोच है, मगर एक गेट को आपको इस गेट पे मिली है, उससे को दूसरे गेट पे मिली है। ठीक है, तो दो गेट होते हैं, मतलब टोटल चार गेट होते हैं। एक एक तरफ बाथरूम वाले की सीट मिली है और दूसरे को दूसरे बाथरूम वाले की तरफ की सीट मिली है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों कोचेस मतलब चेंज हो जाना। देख मतलब मान लीजिए दोस्तों की S1 में आपको मिली है, S2 में उसको मिली है, आपके साथ वाले को। ठीक है, उसमें आप कैसे एक्सचेंज करेंगे सीट को, तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता देता हूं इसके बारे में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको ऑप्शन बताया था, या तो आपको इस गेट पे मिलेगी या उस गेट पे, खाली कोच एक ही रहेगा। तो इस सिचुएशंस में आपको ये करना है कि जो आपके पास बैठा हुआ बंदा है उससे रिक्वेस्ट करनी है। आपका बंदा मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको अपने रिलेशनशिप वाले मतलब कि आपके जो साथी हैं उनसे बोलो कि आपके साथ जो बैठा है उनसे रिक्वेस्ट करें। इन दो में से दोस्तों अगर आपकी मतलब कि कोई बात बनती है, वो बंदा जाने के लिए तैयार होता है, तो आप एक्सचेंज सीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों बंदा नहीं मानता है जाने के लिए, तो दोस्तों उसमें आप जोर जबरदस्ती करके सीट हड़प नहीं सकते हो।